वेलकम अलजेब्रा। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। बहुत सारे एपिसोड हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ा है। 11 एपिसोड्स हो चुके हैं, यह 12th एपिसोड है। उसके फॉर्मूला, उसके कॉन्सेप्ट, इन सब से आप परिचित हैं। आज हम लोग 2016 में एक सीटिंग में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था अलजेब्रा का, SSC CGL टायर 2 के, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक झलक आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये एक झलक देख लीजिए, ठीक है। अब एक एक करके बनाना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि किसी क्वेश्चन को कहां से शुरू किया जाए। रियली आप एंजॉय करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ P इज इक्वल टू 99 गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें आप थोड़ा गौर कीजिए, P इज इक्वल टू 99 है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 99 का स्क्वायर और क्यूब और फिर ये सब करना पड़े, ये तो हो नहीं सकता। और आंसर का ढांचा भी बताता है समथिंग 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 10,000 माइनस 1 या 1,00,000 माइनस 1 या कुछ ऐसा तो ही ना आएगा इतना 9, कुछ तो है। क्या क्या तो जो एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू निकालना है जरूर ऐसा कुछ होना है जो 100 माइनस 1 स्क्वायर टाइप का हो, 100 माइनस क्यूब टाइप 1 क्यूब टाइप का हो, 1,000 माइनस 1 क्यूब टाइप का हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये आंसर का ढांचा और खुद P का वैल्यू 99 इशारा करता है, यानी जिसको निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसे आप सोचिए। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, पी क्यूब। देखिए पी क्यूब आता है प्लस P से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कॉमन ले लिया तो P प्लस 1, ऐसे आता है कि नहीं बताइए। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो पी क्यूब हुआ प्लस 3P स्क्वायर हुआ प्लस 3P हुआ। इसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने पूरे को ब्रेक कर दिया तो आपको शायद समझ में आ रहा हो। चलिए ऐसे ही बनाइए, प्लस 1 और माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं। और आप जरा गौर कीजिए, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, बताइए ऐसे या ऐसे। देखिए ये पी क्यूब है प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 है प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 स्क्वायर है प्लस 1 क्यूब है माइनस 1 है। और आप जानते हैं कि इसे P प्लस 1 होल क्यूब बोलते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इसे P प्लस 1 क्यूब बोलते हैं माइनस 1। जल्दी बोलिए, ये तो हमने एक्स्ट्रा लिखा, ये क्यूब करने की जरूरत नहीं है, तो अलग है। अब आप मुझे बताइए P प्लस 1 क्या होता है, 99 प्लस 1 क्या होता है 100, और 100 का पावर 3, 100 मतलब 20, उसका पावर 3 करेंगे तो 60, यानी कि जो 60 आएगा उसमें से 1 लेस करना है। तो 10 में से 1 लेस कीजिए तो 9, मतलब एक 10 है तो 19 हुआ। 100 में देखिए 20 है तो 1 लेस कीजिए तो 29 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 4, 6 9 होंगे, यानी कि दिस इज द आंसर। यहां भी वही है, वहां भी वही है, ये समझ में आया, बताइए। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कुछ डिमांड करता है। x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू, जरा देखिए इन जनरल हमें क्या दिखता है कि इसका वैल्यू c प्लस 1 बाई c दिया है। अब x का वैल्यू कैसे निकाल दें भाई, c के रूप में कुछ कैसे निकाल दें, जरूर कुछ है। सीधा सीधा x का वैल्यू पूछा है, कुछ तो है।
तो आप जरा समझिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका जब होल स्क्वायर करते हैं तो एक नई चीज सामने आती है। जरा देखिए, तो मान लीजिए दोनों और हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का मतलब टू होता है, ये प्लस टू होता है, ये ऐसे होता है, और यहां भी प्लस टू होता है। नहीं समझे, देखिए मैं बताता हूं। जैसे इसका होल स्क्वायर करना था, इसका तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस टू ए बी, एक ऐसा नेचर है जिसमें ये ए बी ऐसा होता है कि खत्म हो जाता है और टू बच जाता है, प्लस टू कॉन्स्टेंट यहां भी बचेगा। समझ गया ना कैसे हुआ? अब आप मुझे बताइए तो समझ गए कैसे हो, मुझे बताइए कि ये टू हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, कैंसिल कर दिया, ये आएगा। अच्छा, दोनों और हम माइनस टू कर सकते हैं कि नहीं? यस, आएगा। अच्छा, दोनों और हम माइनस है ना, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स क्यों कर सकते हैं कि नहीं? यहां भी कहने का मतलब, यहां माइनस टू इंटू c into 1 by c कर सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब x minus 1 by x, और यहां पर c minus 1 by c ये होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। ठीक वैसे ही, चूंकि वो तो प्लस टू हो जाता है, कैंसिल हुआ माइनस टू लिख के, ठीक वैसे ही आ गए। बट बी अलर्ट, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां प्लस माइनस सी माइनस वन बाई सी आएगा। जैसे कुछ होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 या 4 स्क्वायर या कुछ भी बोलिए, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 होता है। समझ गए? स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 अगर स्क्वायर रहा ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4 होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। प्लस सी माइनस वन बाई सी रखिए, होल स्क्वायर कीजिए, माइनस रखिए, होल स्क्वायर कीजिए, बी अलर्ट, ये बात समझ लीजिए। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई? यहां तक जब आ गई तो बीच वाले पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। हमने क्या निकाला? इसको निकाला ना। अब जरा गौर कीजिए, अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू प्लस सी प्लस वन बाई सी हो या माइनस सी माइनस वन बाई सी हो, अगर हम ये वैल्यू लेते हैं और ऐड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू क्या आता है? ये वाला, तो ये कैंसिल हो जाता है तो 2c बचता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू c। तो हम लोग यहां लिख देते हैं कि x का वैल्यू c निकला। ठीक, ये समझ गए? लेकिन क्यों अगर ये माइनस लेते हैं तो क्या ऐसे नहीं आता? बताइए। और जब ऐसे आता है और ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या ये ऐसे नहीं होता? और इस स्थिति में जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये कैंसिल होता है, 2x बचता है, लेकिन यहां ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 बाई सी बचता है कि नहीं? यानी कि x का वैल्यू 1 बाई सी होता है कि नहीं? यानी x का वैल्यू आइदर c और 1 बाई सी। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इसको जो अलजेब्रा की मूल समझ रखते हैं वही इसको बना पाएंगे, जो कुछ फॉर्मूला पढ़ के थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं उनको बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए कंसेप्ट का कोई विकल्प नहीं होता, आप अधिक से अधिक उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इफ The sum of squares of two real numbers is 41 and their sum is 9, then the sum of cubes of these two numbers is, कहने का मतलब two real numbers हैं, उनके square का sum, बोलेंगे ठीक है मान लीजिए इनके square का sum दिया हुआ है 41, okay, and their sum यानी x plus y equal दिया है 9, और हमें पूछा है कि sum of cubes यानी x क्यूब माइनस प्लस y क्यूब इसका वैल्यू निकालिए, ये हमसे पूछा है। जब आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा
कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को जब ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू, ये तो मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो मालूम है, माइनस एक्स वाई होगा, ये माइनस एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू हमें चाहिए, उसके बाद ही इसमें हाथ डालेंगे। और एक्स वाई का वैल्यू वो तो आसानी से निकल रहा है, समझ जाएगा तो मन में हो जाएगा, होल स्क्वायर किया 81 माइनस 41 2x 20, x इक्वल टू 20, ये मन में हो जाएगा। लेकिन मैं करके दिखाता हूं, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, हम लोग दोनों ओर होल स्क्वायर करते हैं इसको, ठीक है, होल स्क्वायर करते हैं, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा ना, इधर इधर क्या होगा 81, और ये वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ना 41, ये 41 को उधर ले गए तो 40 बचा ना, 41 को उधर ले गए तो 2xy इज इक्वल टू 40 होगा, तो ये 20 होगा कि नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन मन में किया जा चुका था, हम लोग कर चुके थे, ये मन में ही निकालने का भी है, तो xy इज इक्वल टू 20, समझ गए, ये निकाला गया ताकि सबों को समझ में आए, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रखने रहने देते हैं। अब देखिए जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये आप आसानी से अब आप बता सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है, ये आप जानते हैं, ये फेमस फॉर्मूला है, और ये x प्लस वाई आप जानते हैं 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जानते हैं 41, और माइनस एक्स वाई निकाल चुके हैं 20, यानी कि 9 इंटू 21 यानी कि 189 इज द आंसर, मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 + 64 इज, अभी एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि देख करके किन्हीं को भी दिक्कत हो जाए, इसको फैक्टराइज करना है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये माइनस होता तो बहुत आसानी से हम लोग कर देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह में तोड़ के, ये जो प्लस है ये सारा प्रॉब्लम है क्रिएट करता है, क्या किया जाए, तो आप जरा सोचिए इसको, जरा सोचिए इसको कि अगर इसको हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये तो लिख सकते हैं, और 64 को भी ए का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों को होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब अगर हम प्लस 2ab भी लिखते हैं तो माइनस 2ab भी लिखना होगा, माइनस 2ab भी लिखते हैं तो प्लस 2ab भी लिखना, लेकिन इसे हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माइनस कुछ आए वो भी होल स्क्वायर हो ताकि हम ब्रेक कर सकें, तो हम यहां लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा लिखने से क्या होगा ये प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर भी अगर होल स्क्वायर हो गया और माइनस हो गया तो हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमने कुल मिला के क्या लिखा 16x2, तो यहां -16x2 लिख दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां क्या दिख रहा है -4x होल स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। आप देखिए प्लस 4x माइनस 4x दिस इज द आंसर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग पहले कई क्वेश्चन बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस वाई पूछता है, कैसे बता दें x माइनस वाई, हमें पूछा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो हो सकता है कि x माइनस वाई वहां कहीं आ जाए, पर कैसे आ जाए, और आंसर भी देखिए 1 - 1 0 ये सब है, जरूर कुछ बात है, और ये क्या हो सकता है, थोड़ा गौर कीजिए, तो x स्क्वायर
plus y square plus 6x plus 6x plus 5 is equal to 4 into x minus y. ऐसे लिखा हुआ आप जरा देखिए x square something x constant, y square something y constant. ग्रुपिंग समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग समझ में आ रहा है? ये x square ओके प्लस 6x और ये प्लस 4x है ना उधर, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 2x, प्लस 2x. और इधर भी देखिए y square है ना, y square. और यहां क्या है? माइनस 4y है. इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4y. अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, 6x है और यहां 4x को इधर लाके यहां पर 2x लिखा है. और ये 4y जो माइनस 4y था इसको यहां ले आया है. इज इक्वल टू इधर लास्ट में 0 है और हमारे पास इधर बचा हुआ है प्लस 5. पहले बोलिए ये स्थिति है या नहीं. सबको इधर ले आएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहां रहे. हम क्या चाहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 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 2ab है ना, बी 4 2 प्लस बी स्क्वायर रहे. तो 2 स्क्वायर 4 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 5 होता है, 5 तो है ही हमारे पास. तो 5 को हमने 1 प्लस 4 करके दोनों के पास भेज दिया और अब आपको ऐसे नजर आ रहा होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है. यानी ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करने पर जो भी आएगा वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, 0 या 0 से ग्रेटर होगा. लेकिन दोनों का सम अगर 0 होना है तो 0 से ग्रेटर होने का सवाल नहीं है. एक ही कंडीशन है कि अंदर भी 0 हो, यहां भी अंदर भी 0 हो, क्योंकि उससे कम तो हो नहीं सकता. इसलिए बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सम ऑफ स्क्वायर्स 0 हो तो वो नंबर जिनका स्क्वायर का सम 0 है वो नंबर खुद 0 होंगे. यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यानी x का वैल्यू माइनस 1 और y का वैल्यू माइनस 2. जरा देखिए x माइनस y जब करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 हो, यानी माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 1. This is the answer. ये आपका फिफ्थ नंबर था. बोलिए ये पूरा आपको समझ में आया या नहीं, कैसा लगा? एलजेब्रा की ये विशेषता है कि जो भी फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आपने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल जब करना आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, रियली एंजॉय करेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट.